भाई और बहन के रिश्तों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन। हम लंबे समय से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, आज मैं इन मान्यताओं के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। मैं उन मान्यताओं के विषय में चर्चा करूं इससे पहले कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। रिश्तों के बंधन का एहसास है राखी, रिश्तों के बंधन का एहसास है राखी, भाई बहन के रिश्ते की पहचान है राखी। कच्चे धागों में बंधा, कच्चे धागों में बंधा, पक्का बंधन है राखी। बहन की रक्षा और भाई के उम्र की दुआ है राखी, बहन की रक्षा और भाई की उम्र की दुआ है राखी। बचपन की यादों का सुहाना स्वप्न है राखी। शब्दों में बयान न की जा सके, शब्दों में बयान न किया जा सके, वो पवित्र प्यार है राखी। घर घर की खुशियों का उपहार है राखी। प्यार और मंगल कामना का पर्व है राखी। भाई की कलाई प्रेम बंधन में बांधती वो है राखी। बहन को रक्षा कवच और भाई को, बहन को रक्षा कवच और भाई को विश्वास देती है राखी। रिश्तों के बंधन का एहसास है राखी, भाई बहन के प्यार की पहचान है राखी, भाई बहन के प्यार की पहचान है राखी। राखी केवल एक सामान्य बंधन ही नहीं है, राखी के पीछे भाई और बहन का अटूट प्यार जुड़ा हुआ है। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उस प्रेम का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मैं आज उन पांच प्रमुख मान्यताओं के विषय में आपसे चर्चा करूंगा कि राखी आखिर मनाई क्यों जाती है। सबसे पहली एक पौराणिक कथा है जिसके विषय में चर्चा करना चाहूंगा, और वो पहली कथा है राजा बलि और भगवान विष्णु को लेकर के। राजा बलि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा पुण्यशाली और दानी राजा हुआ। उसके पुण्य कर्म और दान के परिणाम स्वरूप पूरे देवलोक के अंदर अफरा तफरी मच गई और उसके पुण्य के प्रताप से देवलोक थर्रा उठा। देवता लोग जो हैं भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और जाकर के अनुनय विनय करने लगे कि हे भगवान, पृथ्वी पर राजा बलि नाम का एक राजा हुआ है और उसका पुण्य प्रभाव इतना बढ़ गया है कि उसके परिणाम स्वरूप अब देवलोक जो है वो भी खतरे में है। भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण किया। नाटे करके भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार का नाम है वामन। वो वामन का अवतार धारण करने के बाद में भगवान विष्णु जो है वो राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के और अपने लिए मात्र 2.5 कदम भूमि की मांग रखते हैं। राजा बलि उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। भगवान विष्णु 1 कदम के अंदर स्वर्ग और नरक लोक को नाप लेते हैं, 2 कदम के अंदर पृथ्वी लोक को नाप लेते हैं, और जैसे ही वो अपना 3 कदम धरते हैं, अब नापने के लिए उसके पास में राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति वर्चस्व जो है भगवान विष्णु प्राप्त कर चुके हैं। अब राजा बलि समझ चुका था कि त्रिलोकीनाथ स्वयं उसकी परीक्षा लेने के लिए पधारे हुए हैं। उसने अपना सिर भगवान विष्णु के सामने धर दिया कि हे भगवान, आप जो हैं 3 कदम मेरे सिर पर धारण कीजिए। और जैसे ही भगवान विष्णु 3 कदम उसके सिर पर धारण करते हैं, उसको रसातल में पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके इस दान की वजह से भगवान विष्णु जो है राजा बलि पर अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वर मांगने के लिए कहते हैं। अब राजा बलि जो है भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी छत्र साया हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, आप मेरे रक्षा कवच बनकर के रहें और आप मेरी निगाहों के सम्मुख रहें, ताकि मैं आपके दर्शन लाभ जो है सदैव प्राप्त करता रहूं। और ऐसा कहकर के उसने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे इस दरबार के अंदर एक दरबारी बन करके मेरे द्वार मुख्य कक्ष के द्वारपाल बने। भगवान विष्णु जो है
अपने वचन के बंधन में बंधे हुए थे तथा अस्तु कह दिया और भगवान विष्णु वहीं रुक गई। समय गुजरता गया और इधर लक्ष्मी जी जो है वो चिंता में डूब गई कि आखिर भगवान विष्णु गए तो गए कहाँ। नारद मुनि के द्वारा उसका पता लगवाया गया और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु तो जो है राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब वो उसकी उपाय ढूंढने में लगी रही और उसका उपाय भी नारद जी ने ही बता दिया कि इसका एकमात्र चारा ये है कि लक्ष्मी जी को कहा कि आप स्वयं पधारें और राजा बलि के हाथ में रक्षाबंधन बांध करके उसको भाई बना लेवें। ऐसा करने से वो आपके द्वारा मांगी हुई हर मुराद को पूरी करेगा। वैसा ही हुआ। लक्ष्मी जी जो है राजा बलि के दरबार में पहुंची और राजा बलि को अपना रक्षा कवच, जिसको अपन कहते हैं राखी, बांध करके उसको भाई बनाया। और जैसे ही उसको भाई बनाया, राजा बलि ने प्रसन्न होकर के बहन को अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने उस वरदान के बदले में भगवान विष्णु को मांगा और वो लेकर के दोनों लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जो है वो विष्णु लोक को पधारे। तो यहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई इस रक्षा कवच को बांधने की, राखी को बांधने की। ये भी एक पौराणिक कथा थी। एक और पौराणिक कथा है और ये पौराणिक कथा जो है वो इंद्र से जुड़ी हुई है। एक समय के अंदर देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष छिड़ गया और उस संघर्ष के अंदर देवताओं की पराजय होने लगी, देवताओं को काफ़ी क्षति पहुंच गई, इंद्रलोक जो है वो खतरे में पड़ गया। और ऐसी स्थिति के अंदर इंद्र की पत्नी, यहाँ पर सची का नाम आया हुआ है कि इंद्र की पति जो सची है वो भगवान विष्णु के पास में जाकर के इसका एक उपाय जो है पूछती है। विष्णु उसको एक वलय देते हैं, एक धागा देते हैं वलय आकार का, और वो कहते हैं कि ये रक्षा कवच है, ये तुम जाकर के इंद्र के हाथ में बांध देना, इससे इंद्र की रक्षा होगी, इंद्रलोक की रक्षा होगी। और जैसे ही सची जो है वो धागा ला करके अपने पूरे विधि विधान के साथ में तिलक, हाथ में नारियल वगैरह जो विधि विधान भगवान विष्णु ने बताया था, जिसकी परंपरा का पालन आज भी हम करते जा रहे हैं, और उसके रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ से देवताओं को विजय प्राप्त हुई और वो इंद्रलोक और देवलोक को बचाने के अंदर कामयाब हो गए। ये दूसरी कहानी थी जहाँ से रक्षाबंधन बांधने की परंपरा शुरू हुई। तीसरी कथा मिलती है महाभारत से। महाभारत के अंदर हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा था। सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल का वध करने के बाद में पुनः लौटा तो भगवान श्री कृष्ण के अंगुली के अंदर चोट लग गई और उस अंगुली के अंदर चोट लगने पर बहती हुई रक्त की धारा को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपने चीर से, अपने वस्त्र से जो है निकाल करके पट्टी और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दी और वहीं भगवान कृष्ण ने उसे बहन के रूप में स्वीकार किया और जीवन पर्यंत उसकी रक्षा का जो है वादा किया। और वहीं से अपन देखते हैं कि द्रौपदी के हर कष्ट के अंदर भगवान कृष्ण जो हैं सदैव साथ रहे। तो ये तीसरी कथा थी। कुछ ऐतिहासिक कथाओं के बारे में दो बातें हैं, उसके विषय में बात करूंगा। सिकंदर, सिकंदर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया वो विश्व विजय का सपना देख करके और भारत की तरफ लौटा था, और जब भारत पर विश्व विजय करने के लिए पहुंचा तो उस समय के अंदर उसका मुकाबला हुआ भारत के पराक्रमी राजा पुरु के साथ में। अब पुरु के विषय में ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही पराक्रमी राजा था। और यहाँ पर सिकंदर की पत्नी जिसका नाम था रोशनक, उसको एहसास हो गया कि पुरु के सामने सिकंदर की एक भी चलने वाली नहीं है और निसंदेह यहाँ पर उनके प्राण संकट में हैं। तब रोशनक ने पुरु के लिए एक रक्षाबंधन, एक राखी भेज करके और पुरु को भाई बनाया और उसके साथ में प्रार्थना की कि वो उसके सुहाग को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। और कहते हैं इसीलिए पुरु ने सिकंदर को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ये चौथी कहानी थी जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है।
एक कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं से जुड़ी हुई कि एक बार चित्तौड़ के ऊपर बहादुर शाह एक बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ में हमला करता है और ऐसी स्थिति के अंदर कर्णावती को जब ये समझ में आ जाता है कि चित्तौड़ की सेना इतनी बड़ी विशाल सेना का मुकाबला करने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति के अंदर वो एक राखी दिल्ली के सम्राट हुमायूं को भेजती है और उसको अपना भाई बना करके एक बहन की रक्षा के लिए उसके सामने है प्रार्थना भेजती है। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने उस रक्षा कवच के बंधन को स्वीकार करते हुए और दिल्ली से एक सैनिक टुकड़ी जो है वो चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए प्रस्थान की थी। तो यहाँ जो है ये पांच मान्यताएं हैं जो ये प्रमाणित करती है कि रक्षा कवच के तहत एक भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और बहन हमेशा अपने भाई की लंबी उम्र की दुआएं करती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, परंपराएं बदल चुकी हैं, आजकल बहनें भाई को राखी बांधते समय जो सूखे नारियल हैं वो हाथ में रखती है। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि भाई के हाथ में रखा जाने वाला नारियल पानी से भरा हुआ होना चाहिए, सूखे नारियल उनके हाथ में न रखे जाएं। अगर नारियल नहीं है तो आप जो है रुपये पैसे जो भी आप अपने भाई के हाथ में नारियल के रूप में रखना चाहते हैं वो रखें, लेकिन सूखा नारियल रखने की परंपरा नहीं है। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियाँ।